नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश नाल, आप देख रहे हैं यूके एफएम। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अपने घर में खुश होंगे। आज की इस वीडियो में मैं मिस्टर रोशन रतुड़ी, जो कि इंटरनेशनल समाज सेवक है, उनके बारे में बात करने वाला हूँ। कल परसों की बात है, कोई अनिल टांडे पांडे, क्या नाम था, नाम भी भूल गया मैं तो, अनिल कांडे याद नहीं आ रहा था, अनिल कुमार पांडे, नाम तो बहुत अच्छा है, अनिल कुमार पांडे, क्या बोलते हैं, तो पांडे तो ब्राह्मण होते हैं। अब ब्राह्मण होके ऐसे अपशब्द यूज करना दूसरे के लिए, और वो भी समाज सेवक बोल रहे हैं अपने आप को, अनिल कुमार पांडे जी बोलते हैं ऑनलाइन आके कि मैं समाज सेवक हूँ। रोशन रतुड़ी ने कुछ भी समाज सेवक का काम नहीं करा, और ऐसे ऐसे अपशब्द उनके लिए बोले हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अनिल कुमार पांडे जी ने क्या क्या बोला है। जी बोलते हैं शर्म आ रही है, पर क्या करें, हमारे माता पिता जो हमारे संस्कार हैं वो सिखाते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करो और अपशब्द यूज ना करो। अगर उन्होंने करें तो कोई बात नहीं, हम प्यार से ही बोलेंगे उनसे, प्यार से ही जवाब देंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो में उन्होंने क्या क्या बोला है, आपको दिखाता हूं मैं। अरे बात सुन रोशन रतौड़ी, तूने मुझे ये कल कहा कि मैं खनन माफिया हूं ना, मैं इस उत्तराखंड देवभूमि में रहता हूं और मैं अपने समाज की सेवा करता हूं। मैं कहता नहीं हूं कि मैं समाज सेवक हूं, मैं तेरी तरह चिल्लाता नहीं हूं फेसबुक में आके दो दो घंटे। जो शरीफ लोग तुझको देखते हैं ना, वो मेरे भोले भाले प्रवासी भारती। साले दुबई की है, तू मुझे बता रहा है कि मैं बहन किसी चमचागिरी कर रहा हूं। अबे मैं तो एक भारतीय हूं, भारतीय होने के नाते मैं तो देखा दोस्तों आपने, इतना अपशब्द का यूज कर रहे हैं मिस्टर रोशन रतुड़ी भाई जी के लिए, जो कि इंटरनेशनल समाज सेवक है। अनिल कुमार पांडे जी को क्या पता कि समाज सेवक किस बला का नाम है, उनको तो पता ही होगा समाज सेवक। कपड़े तो उन्होंने सफ़ेद सफ़ेद पहने हैं, वाइट वाइट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, उनको ये भी नहीं मालूम होता वाइट का क्या मतलब होता है। बोलना चाहता हूँ मैं ज़रा कुछ उनके बारे में, अब शब्द मैं भी यूज करता हूँ। ये कौन आ गया? नमस्कार भाइयों, फेसबुक ऑनलाइन, मैं प्रमोद सिंह पवार, ये वीडियो में देख रहे हो, ये वीडियो में जो महाराज जी हैं इनका नाम है अनिल कुमार पांडे और ये समाज सेवक हैं। ये लोगों को छत देते हैं, मकान देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। अगर तू लोगों को कुछ देता ना, तो ये तूने ये वीडियो बना, हमको भी आती बोलनी, तेरी वीडियो को देख के बोल रहा हूँ मैं भी, मैं हमको भी अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलने में, लेकिन बोलना पड़ता तुम जैसों के लिए, समझे। किसी के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। वो भाई जब कमलेश भट्ट हमारा भाई है, जो वहाँ पे जो एक्सपायर हो गया था, तो उसकी बॉडी जब इंडिया से वापस गई, उसने कितनी मेहनत करी, कितने पेपर दिखाए, कहाँ कहाँ गया वो भाई। जो करता है ना उसी को पता होता है, समझा। जो होटलियर के बारे में बोल रहा, शरीफ है सीधे हैं भाई, हम दुनिया घूम रहे हैं, सब जितने भी हमारे होटल के भाई हैं, होटल में जॉब करते हैं जितने भी सैफ लोग हैं हमारे उत्तराखंड के, उनको शरीफ मत समझना, ठीक है। दुनिया घूम रहे हैं वो, दुनिया हर कुछ जानते हैं, कौन कैसा नहीं, ऐसे नहीं सपोर्ट करते उनको। बोल दिया प्रमोद सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बारी, थोड़ा मेरे को भी बोलने दो। अरे सीमा दीदी जी, आप भी आ गए, चलिए आप ही बोल लीजिए। अनिल पांडे जी, आपको तो बड़े भैया जी से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तभी हम सारे फेसबुक वाले भाई बहन आपको माफ़ करेंगे, नहीं तो हम आपको कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो अभद्र भाषा का आपने प्रयोग किया ना, वो इतना गंदा और भद्दा था कि क्या बोले हम, शर्म आनी चाहिए। आप उत्तराखंड देवभूमि में रहकर इतनी गंदी गालियाँ देते हो, क्यों, किसने हक दिया आपको बड़े भैया जी को गाली दें, तुम किसी को भी जलील करें, क्यों, हमारे सवालों के जवाब देना अगर आप पे हिम्मत है। चले दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। अरे विनीत जी भी ऑनलाइन फेसबुक में, चलिए विनीत जी आप भी बोल दीजिए कुछ। हेलो दोस्तों,
आप सब लोग कैसे हो? मैं हूँ विनीत जीवी से। एक पांडे जी हैं, इन्होंने रोशनचंद्र जी के बारे में उल्टा सीधा बोला है। मैं उसको बोल देना चाहता हूँ, रोशनचंद्र जी अकेले नहीं है, हम पूरा उत्तराखंड जो उनको चाहते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके काम से जो भी खुश है, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। पांडे जी एक बात याद रखना, हम पूरा उत्तराखंड उनके साथ है। उनको फेसबुक वाले जो आपने गाली दी है, उल्टा सीधा बोला, उनको माफी मांगे, वरना उत्तराखंड पूरा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा, और यूएई खासकर आप स्पेशल। चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ कुछ बोलने के लिए। अरे दीपक जी, अरे भाई कितना बोलोगे यार, कितना बोलोगे तुम लोग। चलो आप भी बोल दो, दीपक जी क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। अभी जब पूरा काम होता, ये तो दूसरे की टांग खींचने वाली बात है ना, फिर दूसरों को जो करता है उसको भी नहीं करने देते। हाँ जी अनिल कुमार जी, मैं कुछ कहने वाला था आपके लिए। लो जी अब फोन आ गया, पहाड़ टीवी। बाप रे बाप, चलिए पहाड़ टीवी जी आप भी कुछ बोल दीजिए, सुनते हैं पहाड़ टीवी जी को क्या बोला उन्होंने। जब हमने वीडियो की पड़ताल की तो वीडियो में बदतमीजी से रोशन रतुड़ी को गरियाने वाले इस शख्स के तार सीधे सत्ता से जुड़े नजर आए। मतलब कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का वाली कहावत इस शख्स पर सटीक बैठती है। उत्तराखंड मूल के दुबई स्थित रोशन रतूड़ी के फेसबुक लाइव के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नीतियों पर उठाए गए सवालों से ये व्यक्ति तिलमिला रहा है। इन सवालों से इसे इतनी आग लग गई है कि जो भी इसके मुंह में आए वो रोशन रतूड़ी के लिए कह रहा है। अनिल कुमार जी मैं आपका जवाब देता हूँ। लो जी आप कौन आ गए ऑनलाइन, भाई मुझे भी बोलने दो कुछ, मैं भी बोलूंगा। तो अनिल पांडे जी आपको बहुत भुगतना पड़ेगा, इतना भुगतना पड़ेगा कि आप भूल जाओगे कि आप देहरादून में हो या हरिद्वार में हो। फिर या आप सीधे से उत्तराखंड से बाहर हो या आप भी सोच नहीं समझोगे, क्योंकि इस समय जो आपने रोशन भाई को गलत बोल के गलती की है, इस पे सारे लोग आपके अपोजिट है। हाँ जी अब आई मेरी बारी, ठीक है आप इन लोगों को सुन लिया होगा, तो मेरी भी सुन लो, मैं भी बोलूँ। अब कौन आ गया ये भाई कौन? और होटल जो होटल में काम करते हैं उन भाई लोगों को रोशन भाई से कितनी मोहब्बत है, कितना प्यार प्रेम है ना, लेते हैं भाई। ये शायद आपने वीडियो डालने से पहले नहीं सोची होगी, अगर आप जान लेते ना तो शायद आप कभी वीडियो में लाइव नहीं आते। लेकिन हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, जब तक आपने रोशन भाई से माफी नहीं मांगी हम हर दिन पोस्ट डालते रहेंगे, यहाँ तक कि अगर माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को पत्र लिखना पड़े ना वो भी लिख देंगे। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, रोशन भाई ने आज तक किसी को तू तक नहीं बोला है, किसी को अशब्द नहीं बोला है, इनकी हिम्मत कैसे हो गई रोशन भाई को गाली गलौज देने की? अरे पांडे जी देख लिया कितना बोल रहे हैं ये लोग फेसबुक में, अरे क्या बोल दिया तुमने रोशन रतूड़ी भाई जी को, इतना क्यों बोल रहे हैं लोग, सारे आ रहे जा रहे हैं फेसबुक में, मेरी बारी आ ही नहीं रही, मैं क्या बोलूँगा। लो एक और भाई आ गए, आइए भाई आप ही बोल लीजिए कुछ, मैं तो बैठा हूँ बस, पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूँ। ये वीडियो आगे तक पहुँचाओ, अनिल पांडे तक पहुँचने चाहिए, उत्तराखंड का सीएम तक पहुँचने चाहिए, मेरे को कोई डर नहीं है उस चीज़ की। उसने रोशन रतूड़ी भाई जी को ना गाली दी ना, हमें इस चीज़ का बहुत दुख हुआ आज, जो आज उसने सुबह सुबह गाली दी ना रोशन रतूड़ी भाई जी को। अब वो रोशन रतूड़ी भाई जी ऐसा नहीं है कि अगर किसी का चमचागिरी करेगा, ये करेगा वो करेगा, उस चीज़ से नहीं है उसका मतलब, आप लोगों को मालूम नहीं है उसके बारे में। जिसको मालूम नहीं है ना कभी भी हमसे संपर्क करें कि रोशन रतूड़ी क्या है। बस मैं आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ अपने छोटे से शब्द में, क्योंकि जो मैं बोलना चाहता था सब मेरे भाइयों ने और बहनों ने बोल दिया है अलग अलग करके। अभी आपने जो वीडियो देखी बहुत अच्छा बोला उन्होंने, थैंक यू सो मच, और जो धन्यवाद उनका जिन्होंने सब कुछ इतना कुछ बोला है मेरे भाइयों ने। और पांडे जी, टांडे जी जो भी आपका नाम है, आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या बोला। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ अपने छोटे से शब्द में कि कहते हैं कि जब इंसान को गालियाँ पड़ना शुरू हो जाए या उसको धमकी आना शुरू हो जाए तो समझ लेना उस इंसान का आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। तो रोशन भाई जी सब आपके साथ हैं, अब पीछे नहीं देखना आपने। और अनिल कुमार पांडे जी आपका भी धन्यवाद,
आपने जो मौका दिया हमको ऑनलाइन आने का, बोलने का, कुछ ना कुछ अपने शब्द बोलने का, क्योंकि फेसबुक में इतने ऑनलाइन मैंने कभी देखे नहीं थे उत्तराखंड के। खासकर जो शर्माता भी था ना, वो भी ऑनलाइन आ रहा है आज, तो आपके लिए भी वैसे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सिखा रहे हैं हमें कैसे बोला जाता है। अब सब तो हम सीखे नहीं, पर हाँ हमें थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि कैसे हम बोल सकते हैं कैमरे के आगे। आपसे सीख रहे हैं अनिल कुमार डांडे जी, बहुत अच्छे शब्द जो आपने बोले, इतने शब्द तो हमारे पास है नहीं अच्छे बोलने के लिए मिशन रोशन रतुड़ी जी के लिए, जो कि समाज सेवक है, इंटरनेशनल समाज सेवक है। पता क्या होता है इंटरनेशनल? अरे मैं तो इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, शायद वो भी नहीं पता होगा आपको। पर चलिए, थैंक यू, धन्यवाद आपका, और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और शेयर करिएगा। शेयर इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद अनिल कुमार पांडे जी के किसी भाई या बहन या किसी दोस्त के पास ये वीडियो पहुँच जाए, उनको भी समझ में आए कि उन्होंने क्या गलती करी है, और गलत था या नहीं था, और माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा अगर आपने कुछ बोलना है।